सुरभी सुरभी काय झालं बाळा? उठ जा उठ जा. अरे ये गिर कैसे गई? दादा हम सब आपस में मस्ती कर रहे थे, क्या हुआ? सुरभी बैठने वाली थी, बिंदु दीदी ने पीछे से चेयर खींच ली. सुरभी टपक. अरे ये कैसा मजाक है? सुरभी को चोट वोट लग जाती तो? क्यों, मजाक भी नहीं कर सकते? तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो आज हम लोग जाकर मिलते हैं उसको क्या? एक्चुअली ताई आज नहीं, आज संडे है ना, और आप जानती है हर संडे मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है वो गरीब बच्चों के साथ लंच करने. ओह अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई रे. तो ऐसा करते ना हम लोग करते कि मैं जाकर मिल लेती हूँ. अरे पहले मैं तो देखूं कैसा है लड़का, कौन है, करता क्या है, फिर अपनी बराबरी का है कि नहीं, हाँ फिर तो मिल लेना, क्या बोलता है? ठीक है ताई. अच्छा उस लड़के से मिलने के बाद मुझे फोन जरूर कर देना, मतलब लड़का कैसा है मुझे तो. अरे मंजे का है, तेरे को फोन नहीं करेगी तो क्या ये रघु को फोन करेगी? अरे तू इच तो मेरी हेमा को लेके आएगा ना मंडप में, मिर्शाना मुलगा. ये चल रहे अभी, चलो फटाफट रख इसको. नमस्कार ताई. ए बिंदु 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 कान फाड़ेगी क्या, क्यों चिल्ला रही है? अरे ये वही आदमी जिसने सुरभि को मारने की कोशिश की थी, ये वही है. हाँ तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? अगर ताई ने इस आदमी को सुरभि को मारने की सुपारी दी है तो ये आदमी ताई से ही तो बात करेगा ना. अबे हाँ रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगा तुम लोग वहाँ नहीं थे ना तो थोड़ी सी जनरल नॉलेज दे दो इसलिए मैं. बात सुन मेरी, अगर इस बार तूने अपनी अकल चलाई ना तो ताई के हाथ पिटेगी, समझी? मैंने एक कहानी सुनी थी, एक राजकुमारी थी, वो हंसती थी ना तो फूल बरसते थे. ऐसी फीलिंग आई रही मेरे को सुरभि को हंसता हुआ देखकर. ए ताई तेरी सटक गई है क्या, या हम सबका दिमाग खराब है सुरभि की हंसी को देखकर, और तू ये सब? काय को अचानक से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन बनी है वो, तो वो तो हंसेगी इचना, रोएगी काय को वो? ताई तू क्या बोल रही है, तेरी इन बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने अभी से हार मान ली? मेरे को लगता था कि कार्तिक मेरी मुट्ठी में, कभी मेरे मेरे खिलाफ नहीं जाएगा वो, लेकिन मेरे को अंधेरे में रखकर उसने उस श्रीकांत से वादा किया.
और तो और उस सुरभि को लाकर मेरी छाती पर ही बिठा दिया।